हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली पिछली वीडियो में आपने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। सो इस वीडियो में आप देखेंगे कि पर्टिकुलर कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रिप्लेस करना कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को पर्टिकुलर एलिमेंट से, और स्प्लिट करना कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है S1 इक्वल टू अमित अमित पटेल, क्लियर। ये एक स्ट्रिंग है, इस पे अपन वर्क करेंगे, क्लियर। तो मैं यहाँ पे प्रिंट S1 डॉट रिप्लेस और सिंटेक्स में लिख दूं कि मेरे को A को रिप्लेस करना है किसके साथ, मान लीजिए S के साथ, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो A था, जहाँ जहाँ पर भी A था, उसको आप रिप्लेस कर पा रहे हैं S के साथ। यदि मैं इसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में यदि चाहूँ कि S1 के अंदर जो रिप्लेस करके, मतलब जो अंदर S1 के अंदर जो AMIT है, क्लियर, उसको मैं सुमित से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो क्या आप कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा अमित था वो सुमित के साथ रिप्लेस हो गया है। यदि मैं सरनेम को रिप्लेस करना चाहता हूँ, प्रिंट S1 of डॉट रिप्लेस, क्लियर, यहाँ पे मैं डालता हूँ PATEL को रिप्लेस कर दीजिए SAHU के साथ, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग था अमित पटेल नाम से, वो अमित साहू नाम से रिप्लेस हो गया है। यदि मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक ही बार में रिप्लेस करना चाहूँ, तो क्या वो पॉसिबल है? आप देख सकते हैं रिप्लेस अमित अमित पटेल को रिप्लेस करिए किसके साथ, सुमित पटेल के साथ, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अमित पटेल की जगह सुमित पटेल पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे खाली सुमित के साथ करना चाहता हूँ, तो ये भी आप कर सकते हैं, क्लियर। इसके बाद यदि आप हेडिंग डालिए कि स्प्लिट स्प्लिट कैसे करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स को, तो वो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग क्या है S1 इक्वल टू, यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग है S1 इक्वल टू अमित पटेल, क्लियर। यदि मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा सिंपल प्रिंट S1 डॉट स्प्लिट। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग थी वो स्प्लिट हो चुकी है AMIT अलग और PATEL अलग। यदि मैं S1 को प्रिंट करूंगा, तो अभी भी आपकी स्ट्रिंग सेम रहेगी क्योंकि आपने केवल प्रिंट कराया है। इस पर्टिकुलर को यदि मैं सेव कराऊं एक नए वेरिएबल के अंदर या उसी वेरिएबल के अंदर, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे S1 इक्वल टू ये कर दूं, तो आप यदि अब S1 को प्रिंट करेंगे, तो आपकी जो स्ट्रिंग थी वो स्प्लिट फॉर्म में प्रिंट हो जाएगी, क्लियर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यू कैन स्प्लिट योर पर्टिकुलर स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट फंक्शन, क्लियर। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। यदि मैं चाहूँ कि S2 जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं अमित पटेल सुमित पटेल राम पटेल, क्लियर। यदि मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहूँ, सो S2 इक्वल टू S2 डॉट स्प्लिट यदि करूं और S2 को प्रिंट करूं, तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जहां जहां पर वाइट स्पेस आ रहा था वहां से उनने उनको स्प्लिट कर दिया है, क्लियर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिटिंग द पर्टिकुलर स्ट्रिंग और रिप्लेसिंग द कैरेक्टर्स और द वैल्यू फ्रॉम पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग वैल्यू। सो आफ्टर दिस वी जस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्केटिनेशन कॉन्केटिनेशन इन स्ट्रिंग। सो यू जस्ट मेक अ हेडिंग ऑफ दिस, द साइज ऑफ हेडिंग इज टू बी 3। सो आफ्टर दिस वी आर जस्ट मेकिंग अ स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग इज टू बी S1 इक्वल टू अमित एंड इन द S2 वी हैव द स्ट्रिंग पटेल, क्लियर। यदि मैं चाहता हूँ कि ये दोनों स्ट्रिंग एक S3 के अंदर कॉन्केटिनेट हो जाएं, तो मैं लिखूंगा S1 प्लस S2, और आप यदि S3 को प्रिंट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अमित पटेल एक दूसरे के साथ कॉन्केटिनेट हो गया। यदि मैं चाहता हूं कि बीच में स्पेस आए, तो मैं एक S4 नाम की स्ट्रिंग बनाऊंगा
उसमें बीच में कुछ स्पेस देने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, S4 को कॉन्केटिनेट कर दूंगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग थी उन दोनों के बीच में एक स्पेस आ गया है। क्लियर? आफ्टर दिस वी आर जस्ट गोइंग टू द डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेट इन द स्ट्रिंग। सो फॉर दैट आई जस्ट मेक अ सेंटेंस और फॉर दैट आई जस्ट मेक अ सेंटेंस एज वन इक्वल टू माई, यहाँ पे आएगा आपका नेम जो कि फॉर्मेटिंग के थ्रू लाएंगे इज, सॉरी यहाँ पे नेम ही लिख देता हूँ मैं, नेम इज, यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग यूज करेंगे एंड आई एम, यहाँ पे एज आएगी और यहाँ पे मैं ईयर लिख देता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं जो कि आप फॉर्मेटिंग के थ्रू लाएंगे, तो मैं इन वैल्यूज को पहले स्टोर कर देता हूँ या यूजर से गेट करता हूँ। क्या गेट करता हूँ? पहले सबसे पहले नेम को गेट करूंगा। सो नेम इक्वल टू इनपुट, तो यहाँ पे लिखिए एंटर एंटर यूअर नेम। क्लियर? तो यहाँ पे आप नेम ले लेंगे, उसके बाद मैं एज लेता हूँ जो कि मैं लूंगा इंटीजर फॉर्म में। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर ऑफ इनपुट, यहाँ पे डालिए एंटर द एज। क्लियर? उसके बाद मैं इसको यूज करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट फॉर्मेट और यहाँ पे पास कर दूंगा क्या, नेम और एज को। क्लियर? यदि मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मैं अमित लिखता हूँ, एज में मैं 21 लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको प्रिंट नहीं कर रहा अभी। सो इसके लिए मेरे को प्रिंट करना होगा। सो S1 को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अमित। क्लियर? यहाँ पे लिखता हूँ 21 और आप देख सकते हैं कि माई नेम इज अमित एंड आई एम 21 ईयर ओल्ड। क्लियर? तो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट और द फॉर्मेट फंक्शन यू कैन प्रिंट योर पर्टिकुलर वेरिएबल डेटा इन दिस पर्टिकुलर एरिया और द फील्ड। सो इफ यू वॉन्ट मोर देन टू और मोर देन थ्री फॉर्मेट ऑप्शन, सो हेयर यू ऑल्सो कैन यूज, लाइक यहाँ पे मैं एक और डाल देता हूँ और यहाँ पे कोई डमी डेटा ले देता हूँ, डी इक्वल टू कुछ भी ले लो लाइक सुमित और कुछ भी लेना। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डालूंगा क्या, यहाँ पे डालूंगा डी। क्लियर? यदि आप इसको फिर से रन करेंगे, अमित 21 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमित और 21 एज इट इज जो आपने पास किया वो प्रिंट हो गया। उसके बाद जो बाकी का सुमित आपने डी वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर कर रखा है, तो आप उसको भी प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट फॉर्मेट फंक्शनलिटी। क्लियर? सो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि स्ट्रिंग में आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। बाय बाय।